अयोध्या में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद दो मंत्रियों के सामने ही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और डीएम भिड़ गए थे। महंत ने चुनाव हारने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया और इस विवाद ने के बाद जिला प्रशासन ने महंत की सुरक्षा को हटा लिया। इस पर राजू दास ने कहा है कि अगर उन पर कोई हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। और इतना ही नहीं, राजू दास ने सीएम योगी से बात करके डीएम की शिकायत भी की है। सुनिए राजू दास जी, निश्चित रूप से हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है समाज की सेवा कर रहे हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको जानता हूं, आपके व्यवहार और आपके विचार को जानता हूं। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी क्या स्थिति है। डीएम की बात भी जो है हमने सुनी, आपकी बात सुनी, मुझे ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपकी बात हुई क्या, योगी आदित्यनाथ से? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लगातार, मैंने देखा उस समय में जब राम जन्मभूमि के विषय को लेकर कोई जुड़ते नहीं थे, अयोध्या में आकर आप लगातार जुड़े थे, संतों को जोड़ के रखा था, उस पर बहस हुई। बहस का परिणाम स्वरूप है कि आज सरकार जीती, सरकारी मिशनरी जीती, लगातार कोर्ट में बहस चला और मंदिर मिला हम लोगों को, तो बहुत बहुत साधुवाद। आप उस समय के हमारे साथी हैं तो धन्यवाद है। रही बात पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, बहुत बहुत साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। महाराज जी ने बहुत स्नेह दिया आज, और आज की वार्ता बहुत ही सफल थी, और महाराज जी चिंतित भी हैं कि अयोध्या में लगातार इतने टूरिस्ट, इतने राम भक्त आते हैं और इतनी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। हमने लगातार प्रयास किया कि अयोध्या की सर्वांगी विकास हो, चौतरफा विकास हो, चाहे रोडे, सड़कें, नालियां, रुकने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। ये सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर कुछ कतिपय ऐसे लोग हैं जो निगेटिव वातावरण फैलाते हैं, वो निगेटिव वातावरण न फैले, क्योंकि अयोध्या को लेकर वो सदैव पॉजिटिव रहे हैं। उनके प्रयास 15 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 1 महीने में, ज्यादा हो गया 1 महीना लगातार आना, अयोध्या की समीक्षा, डेवलपमेंट, ऐसे कार्य करना, उसके बावजूद भी लोकसभा हम फैजाबाद हारे, ये दुखद रहता है। तो इसके नाते तमाम विषयों पर चर्चा हुई महाराज जी से, महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। राजदास जी, मेरा सवाल देखिए बड़ा सीधा सा है, अगर कोई अफसर बेलगाम हो जाता तो उसका क्या इलाज होना चाहिए? शुद्ध रूप से उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उसका ट्रांसफर हो जाए, कहीं अलग उसकी पोस्टिंग हो जाए, चाहे उसको बैक साइड कर दिया जाए, क्योंकि देखिए आप भगवान नहीं है, जनता की सेवक हैं, आम जनता के आप नौकर हैं, तो आपको इस भाव से काम करना पड़ेगा। लोग तो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ही कितना नुकसान हुआ है आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है जी। ये आपकी बात को हम स्वीकार करते हैं, आपकी बात को मैं मानता हूं, आपकी बात को मैं सिरोधार कर रहा हूं। हम लोग थोड़ा सा और प्रयास करेंगे कि अयोध्या में हमने चुनाव जीता है, आसपास जो, क्योंकि हम लोग देश में घूम घूम कर सनातन का प्रचार करते हैं, हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं, और जिन्होंने इतने भव्य मंदिर दिया, जिन्होंने इतना भव्य रेलवे स्टेशन दिया, जिन्होंने इतना भव्य एयरपोर्ट दिया, अब आप क्या कर सकते हो, 38,000 करोड़ का बजट लाकर अयोध्या में इतना काम करना, और उसके बाद अगर चुनाव में इस प्रकार के वो रिजल्ट आए तो मुझको लगता है कि गौर करना। राजू दास जी, मेरे मन में एक और सवाल है कि ये किस तरह का व्यवहार है कि आपको अगर मेरी बात बुरी लगी तो आप इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मैं मतलब आपके ऊपर दुनिया भर के आपको धमकियां आती हैं, मुझे पता है लोग ट्वीट पे आपको धमकी देते हैं, इंस्टा पे देते हैं, मेल के जरिए देते हैं, है? कोई इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है, ये मैं बड़ा अवाक हूं इस बात से। ये मतलब कि आपका विवाद हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, हम लोग बैठेंगे फोरम पे बात करेंगे, लेकिन उसके बीच में आपकी सुरक्षा को हटा दिया जाना, इस तरह का व्यवहार करना, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ घमंड के अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रजा की बात अगर हम अपने अधिकारी से कहते हैं, दुख है, सुख है, पीड़ा है भाई, तो हम तो कहेंगे ही, अगर हम पीड़ित हैं तो आपसे निवेदन करेंगे। अगर उस निवेदन को आप दूसरे बे में ले लें तो मुझको लगता है कहीं से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। आप जनता के सेवक हैं डीएम साहब, आप कोई राजा नहीं है, आप किसी राजकोष से जन्म नहीं लिया, आप पढ़े लिख कर यहाँ पहुंचे हो, भगवान की कृपा है कि आप उस जगह पे पहुंचे हैं,
और भी कृपा है कि अयोध्या जैसे धर्म नगरी में आपको सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तो ठीक है, हम गलत हो सकते हैं, राजू दास गलत हो सकते हैं, ठीक है, राजू दास की बात कोई आपको अच्छी नहीं लगी तो आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हो और आप बचकाना हरकत करो तो अच्छी बात है, अच्छी बात। ठीक है राजू दास जी, मेरे मन में एक और सवाल है कि आपके साथ दो मंत्री जी लोग थे, उन्होंने क्यों नहीं बीच बचाव किया? इस तरह का अगर व्यवहार अधिकारी ने किया तो वो सीनियर लोग थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो बीच बचाव करते और अफसर को कम से कम ऐसा तो करने नहीं देते ना। आप ये बताइए कि पूरे देश और दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि राजू दास जी का जिनको जान से मारने की धमकी है उसके गनर को हटा दिया गया, ये किस तरह का व्यवहार है? नहीं देखिए, हमारा इशू गनर नहीं है, मैं तो निवेदन करता हूँ, किसी भी प्रकार से मैंने गनर का इशू नहीं बनाया। भाव ये है कि हम लोग जिस प्रकार से आपने देखा है, जिस प्रकार से हम लोग रातों दिन एक करके काम करते हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सामंजस्य समानता, हर व्यक्ति शांति पूर्वक रहे, हर व्यक्ति एकदम निर्द्वंद रहे, इस भाव से हम लोग कार्य और काम करते हैं। तब भी अगर किसी को पीड़ा हो तो अच्छी बात, मतलब अब आप निर्द्वंद हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि राजू दास जी निर्द्वंद रहिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, अफसरों की इतनी हिम्मत नहीं है कि राजू दास जी को जो है सलाह दें, उनको ज्ञान दें, हैं वो ऑलरेडी पहले से जो है जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर उनको इस तरह के उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा मैं समझता हूँ। नहीं, स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में एक संतों की सरकार, संत एक मुख्यमंत्री और किसी साधु का अपमान होती उचित नहीं है, न्याय उचित कहीं से नहीं है, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का और प्रधानमंत्री जी का कि जनादेश हमको मिला, हिंदुत्व को मिला, पुनः तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हम लोग उत्साहित हैं। जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उसी के साथ हम बीजेपी के साथ हैं मथुरा और काशी को लेकर। तो हमारा भाव सिर्फ बीजेपी की सरकार ही नहीं बनाना है, हमारा भाव यह है कि हिंदू के अंदर एक जागृति आए, एकता आए, एक जिस प्रकार से सनातन सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के साथ हम लोग जीते हैं, करते हैं। और आपने देखा है अयोध्या में भांति भांत के लोग हैं, फिर भी इतना सामंजस्य है। अयोध्या में चारों तरफ मंदिर ही मंदिर, फिर भी 17 मस्जिद सकुशल है, सभी जगह पे माइक लगे हैं, कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं, किसी मौलाना से कोई विवाद नहीं होता, राजू दास से विवाद हो सकता है, लेकिन किसी मौलाना से, आपने सुना किसी मौलाना के साथ ऐसा हो गया, चाहे ये कर दिया गया, जहां पर संत ही रहते हो, मठ मंदिर ही हो, वहां पर 17-17 मस्जिद सकुशल से रहना, तो हम लोग इस भाव के कार्य करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सरकार में जिन्होंने जो कार्य किया है, लगातार प्रयास किया है, कुछ हो सकते हैं ऐसे अधिकारी दूषित मानसिकता के होंगे, लेकिन उनकी भी बुद्धि सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज जी ने क्या कहा, ऐसे महाराज जी आपको क्या कहा, आप गए मिले, पूरे 25 मिनट के आसपास आप लोग, बड़ी लंबी वार्ता हुई, उसमें राजनीति की भी बात हुई होगी, हार के कारणों की भी बात हुई होगी, ये सारी समीक्षा तो हो गई होगी? नहीं नहीं, पहले तो वार्ता यही हुआ कि अयोध्या और कैसे हम डेवलप करें, अयोध्या में जिस प्रकार से भक्त का आना, अयोध्या में लगातार इतने गर्मी होने के बावजूद भी 2.25 लाख, 170-180 देर से ऊपर कभी कब आना नहीं, इतनी अपार प्रचंड प्रचंड धूप, प्रचंड गर्मी के बावजूद भी लोग धूप में खड़े हैं 2-2 घंटा, तो ये सारी चीज से वो बेचारे चिंतित थे। इस सारी विषयों पे चर्चा हुई, वार्ता हुई, और उन्होंने कहा कि हमसे जितना हो सकता था 32,000-38,000 करोड़ का बजट लाकर अयोध्या का विकास, तो मुझको लगता है कि अयोध्या वासी को भी थोड़ा सा साधुवाद है, क्योंकि अयोध्या वासी ने हमको वहां से जिताया है, उनको साधुवाद, उनको धन्यवाद। बाकी रही बीकापुर, मिल्कीपुर, दरियाबाद, रुदौली, वहां पर आप लोगों को संतों को कार्य करने की जरूरत है, संतों को थोड़ा सा और कार्य करना चाहिए, जिससे सनातनियों में एकता हो, भाईचारा हो, सामंजस्य हो, जिससे और आगे पूरे दुनिया में ये संदेश ना जाए कि राम की बात करें, भव्य मंदिर बनवाए और वहां बीजेपी चुनाव हारे। ये बताइए राजू दास जी, एक सीट खाली हो गई है अयोध्या में, क्या विचार है? देखिए, हमारा कोई विचार नहीं है, हम वाकई में बीजेपी के लिए कार्य करते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ना ही अपना उद्देश्य नहीं है, अपना उद्देश्य है कि अयोध्या हो गया, मथुरा और काशी का भी निर्माण हो,
जिस भाव के साथ हम कार्य करते हैं, सिर्फ विधायक सांसद हो जाने से कुछ नहीं होगा, हम पूरे देश में सनातन के लिए कार्य करते हैं। इसके नाते आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत आभार है, कम से कम आप मेरे बारे में इतनी चिंता करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। महाराज जी ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने आपकी सुरक्षा को लेकर क्या कहा, चिंता करने की जरूरत तो नहीं है ना? मेरे मन में जरा सा भी आया नहीं कि महाराज जी हमारी सुरक्षा हट गई है, मुझको सुरक्षा दे दो। सारे विषयों पे मुद्दे पे वार्ता होने लग गई। महाराज जी की इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, हम साधु हैं, मरेंगे कल फिर जिंदा होके आएंगे, फिर राम नाम करेंगे, फिर मरेंगे फिर जिंदा होकर आएंगे, फिर राम नाम करेंगे, फिर मरेंगे फिर जिंदा होंगे, फिर राम नाम करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लाग, कोई लपेट नहीं, कोई लालसा नहीं, सिर्फ भाव यही है कि सनातन संस्कृति, हिंदू हिंदुत्व के साथ भारत एक परिवार के भांति विश्व पटल पर जो मोदी जी स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, भारत के सर्वांगीण विकास करके, और जो एक समय हुआ करता था भारत विश्व गुरु था, उस पायदान पे ले जाने का जो मोदी जी प्रयास करते हैं, हम लोग भी थोड़ा सा गिलहरी की भांति उनके साथ योगदान करते हैं। चलिए राजू दास जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो ये प्रयास है वो जारी रहेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राजू दास जी जो कि जनता के लिए हमेशा दिन रात लगे रहते हैं, उनकी जान की रक्षा भी की जानी जरूरी है। तो जो अफसर आए कम से कम उस बात के लिए भी सोचें और अपने व्यवहार को बेहतर रखें। मैं समझता हूं तभी जनता की सेवा और भगवान दोनों की सेवा जो है व्यवहार से ही ठीक होगी। और आपने मुझे इंडिया न्यूज को इतना इम्पोर्टेंट समय दिया, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जल्दी मिलेंगे आपसे एक बार फिर से। जी।